अस्सलामुअलैकुम दोस्तों तो साथियों, आज की वीडियो NRL नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड, ये रिफाइनरी तमाम रिफाइनरीज का तअल्लुक क्रूड ऑयल से है। सो इसको प्ले करने के लिए आपको क्रूड ऑयल डेली देखना पड़ेगा, एक वैसी रूटीन बना लें। और दूसरा, फॉरेन अफेयर में सऊदीया सोवियत रिलेशनशिप, ऑयल की प्रोडक्शन प्लस माइनस जो कट ऑफ होता है या बढ़ती है या कम होती है, सऊदीया का जो है डेफिसिट, बजट डेफिसिट, उसको ऊपर भी नज़र रखनी पड़ेगी। जो आज का रेट है इसका वो 627 रुपए है। मैं इसको इस वक्त बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि आपको ये तमाम लो और हाई बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको हौसला भी हो, सब्र भी हो, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ मैंने कौन से रेट पे कहाँ जब वो जाएगी तो लूंगा। आमतौर पे जब भी करेक्शन होती है या जब भी कोई नेगेटिविटी आती है तो मार्केट गिरती है, इंडेक्स का तअल्लुक है उसके साथ। इस वक्त अगर 46,000 पे इंडेक्स है, आज के दिन सिर्फ 50 या 60 पॉइंट्स पीछे है 46,000 से, तो आज का रेट 627 था जो कि वेरी हाई। इस स्क्रिप्ट में नो डिविडेंड, सिर्फ कैपिटल गेन के लिए है, और 2020 का डाटा मैं यूज करूंगा आपको इसमें इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि गैर महसूस तरीके से बहुत कम लोग इसमें, उनको मालूमात ही नहीं होती। और ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको 3 गुना पे कर जाती है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन वाइज, न्यूज वाइज, टीवी चैनल्स, आपको इंटरनेशनल टीवी चैनल्स भी मालूम होने चाहिए कैसे लगाने हैं। तो फॉरेन अफेयर, मैथमेटिक्स और ये सारा कुछ नेसेसरी है इसमें। 2019-20 में इसका ईयर है फ्रॉम जुलाई टू जून 30। इसने 2019-20 में 73 लो लगाया और हाई इसने 377 लगाया। अगर जैसे कि 80-82 में लोगों ने खरीदा, मैंने भी लिया, तो 80-82 पे इसकी मूवमेंट अच्छी थी, और बजाहिर विद एक्सपीरियंस विद टाइम पैसेज आपको अंदाजा होना शुरू हो जाता है। कुछ ये है कि ग्राफ वाले लोगों से आपका रहता हो, उनसे आप पूछ लेंगे ये कहां तक जाएगा, तो हमें बताया गया था कि ये 90 तक जाएगा, तो 90 तक जाने का उन्होंने ग्राफ से देख के बताया था। और हमारा पाकिस्तान टेक्निकल्स पे चलता नहीं, ये सेट के ऊपर डिपेंड करता है। उसको ज्यादा बाइंग आ गई 90 पे तो वो 80 पे ले गया, 80 पे बाइंग आ गई तो वो 73 तक चला गया। अब 80 पे अगर आप लेते हैं और इसने हाई लगाया 377, और हाई का भी ग्राफ देखने वाले, मैं मुझे तो थोड़ा बहुत ग्राफ देखना आता है, लेकिन जो एक्यूरेट रीडिंग है वो ग्राफ देखने वाले ब्रोकर्स भी बता देते हैं कि ये कहाँ तक जाएगा, कितना ऊपर जाएगा। मुझे कहा गया था कि ये 320 कर जाएगा, लेकिन मेरी अपनी रफ जजमेंट थी कि ये 360 से ऊपर जाएगा, और इत्तेफाक से मैंने 360 पे बेच भी दिया। अब ये है कि अगर कोई शख्स 10,080 रुपए पे बाय करता है तो ये 8,00,000 की टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग है। अगर यही 10,000 जैसे कि 360 पे बेचे तो 36,00,000 की रकम आई। इसमें से आप अंदाजन अप्रोक्सीमेटली ये बन गए, नेट प्रॉफिट नहीं है ये, 28,00,000 बना। इसमें से 1,00,000 क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स वाले तो नहीं बख्शते, अगर आप 28,00,000
या 38 लाख पूरा निकलवाने लगे तो वो ब्रोकर आपको मना करेगा कि नहीं नहीं आप इसमें कम से कम एटलीस्ट 1 लाख छोड़ रहे, क्योंकि बहुत है, कमीशन भी लगना है, फेडरल टैक्स भी लगना है और कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन 2 महीने बाद आती है, 1.5 महीने बाद आती है, 4 महीने बाद आती है, तो तब तक वो रकम आपको रखनी पड़ती है। अभी है 8 लाख से आपने 27 लाख बनाया, ये आप मुझे दुनिया के जमीन के किसी तख्ते पे दिखाएं कि ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा जो अपना विजन है ना वो ये है कि कुछ पॉपुलर स्क्रिप्ट है जो कि आम हर पब्लिक जो है सब उसकी तरफ भागती है, ये ऐसा स्क्रिप्ट है कि लोग इसकी तरफ नहीं, इतना ब्रोकर भी मेंशन नहीं करते, ये कोई हॉट स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन खामोशी से अपना काम हर साल करे जाता है। अब इसमें 2017 में जो नोटिसेबल चीज है ना वो है वो 860 इसने किया 2017 में हाई, 2016 में इसने 641 हाई लगाया और 400 एक आम रूटीन में ये हाई लगाता है, इसका कोई डिविडेंड नहीं है, लेकिन ये कैपिटल गेन के लिए बहुत बेहतरीन है। अब इसमें लो में आप देख लें कि इसने 73 लगाया 2020 में और 5 दफा ये 100 से नीचे गया, 5 दफा 20 सालों के रिकॉर्ड में 5 दफा ये 100 से नीचे गया और तकरीबन 5 ही दफा ये 150 से नीचे था लोएस्ट। अब अगर कोई इंसान इसको जरा मैथमेटिकली जरा अप्रोच करे तो देखे कि 8 लाख 27 लाख आपको आमदन हुई, 8 लाख आपने इन्वेस्ट किया, मुझे 8 × 3 = 24, ये 3 टाइम्स से ज्यादा है। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अभी तक अगर आपको मेरी कोई भी अच्छी वीडियो लगी है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मुझे लाइक भी दें और मुझे वो सब्सक्रिप्शन भी चाहिए ताकि आपको मेरी बाकी सारी आइंदा आने वाली वीडियोस तमाम मिले। बाकी रहा जो आज का रेट 627 है, मैं इसको रेकमेंड नहीं करता इस स्टेज पे, लेकिन सपोज आगे इंडेक्स 47 से ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस है 47,000 है, इंडेक्स 47,000 से ऊपर जाता है तो ये पिछला वो जो है ना 800 वाला वो ब्रेक कर जाएगा, वो तोड़ देगा, वो चला जाएगा ये ऊपर, क्योंकि इस दफा हालात पाकिस्तान के बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। जिसने इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट इट एज अर्ली एज पॉसिबल, इसमें नहीं। सो रहे नाम अल्लाह का, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।